दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय सुबह होते ही एक और बड़ा विवाद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि आज का दिन जो है वो चाहत पांडे के नाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लाइव फीड में इस समय घर के अंदर ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर चाहत पांडे को लेकर घर के सारे कंटेस्टेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए हैं। हुआ कुछ यूँ था कि अविनाश, ईशा और जो अपने विवियन डिसना है, ये वॉशरूम एरिया में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है घर वालों की नज़र पड़ती है ज़मीन पर पड़े गीले बदबूदार कपड़ों पर। जी हाँ दोस्तों, गीले कपड़े जो कि बिना धोए पड़े हैं वो फर्श पर पड़े हुए थे, और ये चीज़ देखकर विवियन का दिमाग ख़राब हो गया। विवियन ने कहा कि ये कपड़े किसके हैं भाई, जिसके बाद में ईशा और जो अविनाश है वो बताते हैं कि ये तो किसके हो सकते हैं, एक ही तो है घर के अंदर, डिफॉल्टर। जी हाँ दोस्तों, डिफॉल्टर नाम यहाँ पर चाहत पांडे को दिया गया है, और यहाँ पर ये कपड़े देखकर कहीं ना कहीं विवियन का दिमाग सनक गया। और विवियन ने घर के बाकी कंटेस्टेंट को बुलाकर दिखाया कि देखो कितना गंदा हालत कर रखा है, यहाँ स्मेल आ रही है, गीले कपड़े पड़े हैं, दो दो दिन पुराने कपड़े गीले करके यहाँ बाहर ऐसे पटक रखे हैं जगह जगह पर, ये चीज़ नहीं चलेगी घर के अंदर। जिसके बाद में शिल्पा ने भी कहा कि मैंने भी उसको बोला है, लेकिन वो लड़की सुनती कहाँ है किसी की, ऐसे ही बिखेर रखे हैं अपने कपड़े, गंदा कर रखा है पूरे घर को। जिसके बाद में यहाँ पर विवियन डिसना जो है वो घर के अंदर चाहत पांडे को बुलाकर लाते हैं और उसे कहते हैं कि अपने ये कपड़े ना सही उठा के रखो। लेकिन चाहत ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं कहाँ रखूँ, अपने सिर पे लेकर घूमूंगा इन कपड़ों को ना, मेरे पास कहीं कपड़े रखने की जगह, मैं इधर नहीं रख सकती, उधर नहीं रख सकती, कहाँ रखूँ, नीचे ही रखूँगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं भी रख दूँगी अपने गीले कपड़ों को। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की बातें यहाँ पर चाहत पांडे ने कही, जिसके बाद में विवियन ने कहा कि तुम्हारा कंटेनर जो पड़ा है ना उसको खाली करके उसके अंदर रख सकती हो तुम ये कपड़े। और इस दौरान विवियन ने चाहत पांडे के कंटेनर को हाथ लगा लिया, और ये चीज़ होते ही यहाँ पर जो है चाहत पांडे ने घर के अंदर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, और विवियन पे ये आरोप लगा दिया कि वो लड़कियों के पर्सनल कपड़ों में हाथ डाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है उसने विवियन को ये धमकी दे दी है कि आप इस तरीके से किसी लड़की के कंटेनर में हाथ नहीं डाल सकते, ठीक है, तमीज़ रखिए थोड़ी सी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से चाहत पांडे ने घर वालों के सामने जो है विवियन को लेकर एक बड़ा मुद्दा क्रिएट कर दिया है। हालांकि विवियन बता रहे हैं कि भाई कपड़ों में किसने हाथ डाला, कंटेनर उठाया था मैंने सिर्फ। लेकिन चाहत पांडे जो कि आरोप लगाने में माहिर है, और चाहत ने यहाँ पर विवियन को घर वालों के सामने बुरी तरीके से बदनाम करना शुरू कर दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब यह झगड़ा कहाँ तक जाता है। आप किसको सपोर्ट करेंगे इस झगड़े में, चाहत को या विवियन को, अपनी राय कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।